हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ऑप्शंस हेजिंग के बारे में। ऑप्शंस हेजिंग के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बट रियलिटी में बात करें तो ऑप्शंस हेजिंग क्या होता है ये बहुत कम ट्रेडर को पता है, और रिटेल ट्रेडर को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है कि इसमें मार्जिन ज़्यादा लग, हेजिंग के लिए काफ़ी कुछ कैलकुलेशन आना चाहिए तभी आप हेजिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑप्शंस हेजिंग का मतलब क्या होता है, किस टाइप के ट्रेड्स आपको लेने पड़ते हैं ऑप्शंस हेजिंग में, और उसमें मार्जिन कितना लगता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा ऑप्शंस हेजिंग के बारे में। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर ऑप्शंस हेजिंग वर्ड जरूर यूज करते हैं, लेकिन रियलिटी में उनको खुद को नहीं पता होता है कि हेजिंग होती क्या है। सिर्फ उनको ये वर्ड बोलना आता है कि हम लोग हेजिंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 दिन पहले एक वेबिनार ले रहा था ऑप्शंस का, तो उसमें मैंने ऐसे ही 2-3 ट्रेडर से पूछा कि हेजिंग का मतलब आप किस टाइप के ट्रेड्स लोगे। उसमें से एक ट्रेडर ने आंसर किया कि एक कॉल बाय करना है, एक पुट बाय करना है, इसका मतलब हेजिंग हो गया। तो मैंने उनसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मूवमेंट ही नहीं आया तो दोनों स्ट्राइक में लॉस होगा। उन्होंने बोला हाँ, दोनों स्ट्राइक में लॉस होगा। तो हेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने 2 ट्रेड लिया और दोनों ही ट्रेड में लॉस हो रहा है। हेजिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 ट्रेड लिए हैं, एक ट्रेड में अगर लॉस हो रहा है तो एक ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए। उस टाइप के ट्रेड्स को बोलते हैं हेजिंग। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये 2 स्ट्राइक का एग्जांपल है। वैसे ही 4 स्ट्राइक का भी होता है, 6 स्ट्राइक का भी होता है, 10 स्ट्राइक का भी होता है, 15-16 स्ट्राइक प्राइस में भी आप हेजिंग कर सकते हो। अब 15-16 स्ट्राइक प्राइस अगर मैंने बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आपको 1 करोड़ मार्जिन लगेगा। 15-16 स्ट्राइक प्राइस की स्ट्रैटेजी सेट करने के लिए आपको कम से कम 7-8 लाख रुपए मार्जिन चाहिए। ऑन द हायर साइड 10 लाख रुपए के मार्जिन में आप 15-16 स्ट्राइक प्राइस में भी एक अच्छा खासा हेजिंग बास्केट बना सकते हो। सो पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हेजिंग का मतलब क्या होता है, किस टाइप के ट्रेड्स होते हैं, और उसमें हम लोग मार्जिन भी चेक करेंगे। क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स हेजिंग ट्रेड्स ये सोच के नहीं लेते, उनको लगता है कि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। ये सबसे बड़ा मिथ है रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में कि जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, हेजिंग कर रहे हो, तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लग सकता है। तो इसीलिए वो मार्जिन के डर के कारण हेजिंग कभी करते ही नहीं है। तो आपको आज डिटेल में समझ में आएगा कि हेजिंग ट्रेड के लिए मार्जिन क्या लगता है। और एक्सचेंज का अगर आप सर्कुलर पढ़ो तो जो मार्जिन इंक्रीज हो रहा है वो नेकेड ऑप्शंस के लिए हो रहा है। हेजिंग के लिए मार्जिन बेनिफिट आज भी NSE एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप हेजिंग ट्रेड ले रहे हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड ले रहे हो, तो आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं लगता, आपको मार्जिन कम लगता है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ हेजिंग ट्रेड किस टाइप के होते हैं। तो हम लोग बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो ये NSE का वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी टाइप किया। तो जैसे ही मैंने बैंक निफ्टी पे क्लिक किया, ऐसा स्क्रीन खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे, ऐसा स्क्रीन खुलेगा। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हो, स्ट्राइक प्राइस, पुट्स एंड कॉल्स। और बैंक निफ्टी का रेट आप देख सकते हो, अभी 34,160 के आसपास चल रहा है। सो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो अभी 34,100 के आसपास चल रहा है। अब मैं अगर किसी रिटेल ट्रेडर को बोलूं कि यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड लेना है और आपके पास सिर्फ 40,000 मार्जिन है, तो 95% रिटेल ट्रेडर लोग सिर्फ कॉल बाय करेंगे, और वो भी दूर का कॉल बाय करेंगे, सस्ता वाला कॉल बाय करेंगे। यानी वो जाके 35,000 का कॉल बाय करेंगे या 35,500 का कॉल बाय करेंगे, ये सोचकर कि उनके पास मार्जिन कम है तो वो हेजिंग ट्रेड्स नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा मिथ है रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में कि 40,000 रुपये में आप हेजिंग ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रस्ट में, आप 15-20,000 रुपये में भी हेजिंग ट्रेड ले सकते हो। अब मैं आपको 15-20,000 रुपये की एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसमें आप प्रॉपर तरीके से बैंक निफ्टी में बुलिश हेजिंग स्ट्रैटेजी ले सकते हो। पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ, उसका रिस्क रिवॉर्ड भी हम लोग देखेंगे और उसका मार्जिन भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 34,160 चल रहा है, लॉट साइज है 25 का। मैंने यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड लिया है, इसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। यानी मैंने एक कॉल बाय किया और एक कॉल सेल किया है। ज्यादातर लोग इसमें स्ट्राइक प्राइस में भी काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं। वो लोग 34,500 का कॉल बाय करते हैं, 34,600 का कॉल सेल करते हैं। उसमें आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड कभी भी नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोगों को अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी पता है तो उनको स्ट्राइक सिलेक्शन करना नहीं आता है। उनको ये नहीं पता है कि कौन से स्टॉक में कितना स्ट्राइक गैप रखना चाहिए। उनको ये नहीं पता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी कौन से कंडीशन में करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो लोग स्ट्रैटेजी पता होने के बाद भी लॉसेस करते हैं। अब मैंने ये बैंक निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड में आप देख सकते हो 1,000 पॉइंट का गैप रखा है। 1,000 पॉइंट का गैप इसलिए रखा है क्योंकि अभी करंटली बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अब ध्यान से समझना इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। मैंने 34,500 का कॉल बाय किया है एक लॉट, और 35,500 का कॉल सेल किया है एक लॉट।
एक लॉट बाय किया है, एक लॉट सेल किया है, यानी जो बाइंग स्ट्राइक है उसमें टाइम वैल्यू के कारण मुझे लॉस होगा और जो सेलिंग स्ट्राइक है उसमें टाइम वैल्यू के कारण मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी में आपको टाइम वैल्यू के कारण लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्राइक में आपको टाइम वैल्यू मिल रहा है और एक स्ट्राइक में आपका टाइम वैल्यू जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इसका मार्जिन देखें, क्योंकि 95% लोगों को ये मिथ है कि ये स्ट्रैटेजी में हम लोग कॉल सेल कर रहे हैं इसलिए मार्जिन बहुत ज्यादा लगेगा, और उनके हिसाब से बहुत ज्यादा का मतलब होता है 1 से 2 लाख रुपए। पहले हम लोग ये स्ट्रैटेजी का मार्जिन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ये स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड भी समझाऊंगा। तो मार्जिन अगर आपको किसी भी स्ट्रैटेजी का फाइंड आउट करना है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है ज़ेरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एफ एंड ओ सेगमेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बैंक निफ्टी। हम लोग मार्च सीरीज के एक्सपायरी में ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको मार्च सीरीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेड ऐड कर लेते हैं। 34,500 का कॉल सेलेक्ट किया है, यहाँ पर 25 क्वांटिटी एक लॉट बाय किया है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने ऐड किया आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड हो गया। 35,500 का कॉल मैंने सेल किया है, यहाँ पर मैंने सेल सेलेक्ट किया, एक लॉट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 34,500 का कॉल मैंने बाय किया है, 35,500 का कॉल मैंने सेल किया है। एस का मतलब सेल, डी का मतलब बाय। टोटल मार्जिन यहाँ पर बता रहा है 1,34,000। ये टोटल मार्जिन है, 100% मार्जिन है, लेकिन आपको इतना मार्जिन पे नहीं करना है। आपको कितना मार्जिन पे करना है ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखना। आप ये जो विंडो है ये आपको टोटल मार्जिन बताएगा। टोटल मार्जिन ये स्ट्रैटेजी का है 17,081, यानी 17,000 रुपए के आसपास ये स्ट्रैटेजी में मार्जिन लगेगा। और यहाँ पर आप रीड कर सकते हो मार्जिन बेनिफिट आपको मिला है 1,17,000 रुपए के आसपास। मार्जिन बेनिफिट आपको क्यों मिला है, क्योंकि आपने हेजिंग ट्रेड लिया है, एक कॉल बाय किया और एक कॉल सेल किया है, तो हेजिंग आपने ट्रेड लिया है। हेजिंग का मतलब ये होता है, लेट से अगर कुछ भी होता है तो आपको बाइंग वाला ट्रेड लॉस देगा और सेलिंग वाला ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा। तो दो स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया है, एक में लॉस होगा एक में प्रॉफिट होगा, तो आपको दोनों स्ट्राइक प्राइस में एट अ टाइम लॉस नहीं हो सकता है, एक में आपको प्रॉफिट आना ही आना है, एक में आपको लॉस होना ही। तो आपने प्रॉपर हेजिंग ट्रेड लिया है इसलिए आपको यहाँ पर एक्सचेंज ने मार्जिन बेनिफिट दिया है। ये मार्जिन बेनिफिट आपको ज़ेरोधा नहीं दे रहा, ये एक्सचेंज आपको दे रहा है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर मैं एरो लेके जा रहा हूँ। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये इंट्राडे मार्जिन है, ये इंट्राडे मार्जिन नहीं है, ये कैरी फॉरवर्ड मार्जिन है। आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, टोटल मार्जिन स्पैन प्लस एक्सपोजर स्प्रेड बेनिफिट। स्प्रेड बेनिफिट मतलब हम लोगों ने एक स्प्रेड स्ट्रैटेजी लिया है इसलिए आपको बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिन बेनिफिट। और आप क्लियरली रीड कर सकते हो, दिस इज द मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग अ पोजीशन दैट कैन आल्सो बी हेल्ड ओवरनाइट यूजिंग नॉर्मल प्रोडक्ट। यानी आप ये दोनों ट्रेंड को नॉर्मल कन्वर्ट करके इसको ओवरनाइट पोजीशन के लिए होल्ड भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो ये दोनों ट्रेड करने के लिए आपके अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपए होने चाहिए। अब कुछ लोग इसमें पूछेंगे कि ज़ेरोधा का मार्जिन ये है, हमारा तो अकाउंट एंजल में है या मोतीलाल में है, तो वहां पर ज्यादा मार्जिन लग सकता है क्या? मार्जिन जो है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा अगर आपको ये स्ट्रैटेजी का 17,000 रुपए मार्जिन लगा रहा है, तो पॉसिबल है एंजल ब्रोकिंग वाले आपको 20,000 लगाए, 18,000 लगाए या 16,000 लगाए, 1,000-2,000 रुपए का फर्क होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एंजल ब्रोकिंग में आपको सेम स्ट्रैटेजी के लिए 1,00,000 रुपए लग रहा है, क्योंकि मार्जिन जो है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है, ब्रोकर डिसाइड नहीं करता है। सो मार्जिन जो है वो ईच एंड एवरी ब्रोकर का ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, 1,000 से 2,000 रुपए का आपको डिफरेंस आएगा। अब आप देख सकते हो मैंने दोनों ट्रेंड लिए, इसमें मैंने सेल कॉल भी किया है, सेल कॉल में ज्यादा मार्जिन लगना चाहिए था 1 से 1.5 लाख रुपए, लेकिन मुझे मार्जिन कितना लगा, सिर्फ 17,000 रुपए। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को ये नहीं पता होता है, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को ये दिमाग में मिथ होता है कि मैं कॉल सेल कर रहा हूं तो मुझे 1 से 1.5 लाख रुपए मार्जिन देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ये हेजिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हो। हेजिंग स्ट्रैटेजी में एक्सचेंज हमेशा आपको मार्जिन बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब मैंने आपको ये दो स्ट्राइक की हेजिंग बताई है, ऐसे आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी हेजिंग कर सकते हो, ऑप्शंस टू ऑप्शंस भी हेजिंग कर सकते हो, 4 स्ट्राइक प्राइस में भी हेजिंग कर सकते हो, 10 स्ट्राइक प्राइस में भी हेजिंग कर सकते हो, 15-16 स्ट्राइक प्राइस में भी एक साथ हेजिंग कर सकते हो। जितना नंबर ऑफ स्ट्राइक ज्यादा होगा उतना मार्जिन ज्यादा होगा, लेकिन मार्जिन में आपको हेजिंग बेनिफिट मिलेगा। मैं नॉर्मली 15-16 स्ट्राइक प्राइस का भी स्ट्रैटेजी सेट करता हूं तो मुझे 8 से 10 लाख रुपए से ज्यादा मार्जिन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर एक हेजिंग बास्केट क्रिएट कर रहा हूं। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका रिस्क रिवॉर्ड भी देखते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए हम लोग ये टूल यूज करते हैं, इसका नाम है ऑटो एक्सेल शीट। ये सिनारियोज बनाने के लिए काम आता है। सिनारियोज का मतलब ये होता है कि हमने कुछ ऑप्शंस का ट्रेड लिया है, 1 स्ट्राइक या 2 स्ट्राइक या 3 स्ट्राइक, और वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, ट्रेड्स में यहाँ पर आपको ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सिनारियो बता देगा। सिनारियो का मतलब ये है कि ये अगर स्टॉक का प्राइस हुआ तो ये आपका पीएनएल होगा, ये अगर बैंक निफ्टी का प्राइस है तो ये आपका पीएनएल होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर दोनों ट्रेड्स ऐड कर देते हैं। सो हमारा सिनारियो बन गया, यहाँ पर मैंने ट्रेड्स ऐड कर दिए, 34,500 का कॉल
और 35,500 का कॉल मैंने सेंड किया। यहाँ पर लॉट साइज मैंने लिख दिया 25, यहाँ पर मैंने करंट मार्केट प्राइस लिखा है 34,100 और आप देख सकते हो ऊपर अगर कितना भी गया 18,000 का फिक्स प्रॉफिट है, मतलब ऊपर कितना भी जाने दो 18,000 रुपए आना ही आना है, 18,225 का मेरा फिक्स प्रॉफिट है। और नीचे अगर कितना भी गया, गैप डाउन हुआ चाहे कुछ भी हो, मैक्सिमम लॉस है 6775 यानी 6,700 रुपए के आसपास। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे अगर बैंक निफ्टी 38,000 हो गया तो लॉस हो जाएगा, तो वो भी हम लोग सिनारियो देख लेते हैं। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी अगर 37,600 भी होता है तो भी आपका प्रॉफिट उतना का उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉल बाय किया, एक कॉल सेल किया है। इट्स अ स्प्रेड स्ट्रेटजी, मार्जिन में आपको स्प्रेड बेनिफिट भी मिलता है और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने प्रॉपर सिलेक्ट किया है उस तरीके से। ज्यादातर लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेटजी पता होने के बाद भी वो लॉसेस करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक रिस्क रिवॉर्ड समझ में आया होगा। ये एक मैंने सैंपल स्ट्रेटजी बताया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं। अगर आपको ये सीखना है तो मैं आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ पर आप एक वैल्यूएबल प्राइस में सारी स्ट्रेटजीज आप सीख सकते हो और उसके साथ में आपको ये टूल भी मिल जाएगा ऑटो एक्सेल शीट जहां पर आप ऑटोमेटिकली सिनारियो बना सकते हो। सो ध्यान से देखना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट का नाम है learnmarketsonline.com। यहां पर आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप कोर्सेज पे क्लिक करोगे ऐसा पेज खुलेगा। यहां पर आप देख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग लेवल 1, दो कोर्सेज दिख रहे हैं, एक हिंदी लैंग्वेज में एक इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मैंने सिलेक्ट किया, यहां पर मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया यहां पर पूरा डिटेल मिल गया, इंग्लिश लैंग्वेज में है, मनीष शर्मा इंस्ट्रक्टर नेम है यानी मैंने ही सारे सेशंस लिए हैं, प्राइस 5,900 रुपीज़ है और वैलिडिटी है 365 डेज, मतलब जितने भी इसमें वीडियोस हैं वो आपके पास 365 डेज तक रहेंगे। यहाँ पर आप डाउन एरो जब प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट फ्रॉम द बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट किया है, इंटरेस्ट वैल्यू टाइम वैल्यू कवर किया है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इसमें कवर की है। और जो मैंने आपको बताया ये ऑटो एक्सेल शीट सिनारियो जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली सिनारियो बना सकते हो, यहाँ पर जैसे आपको ट्रेड ऐड करना पड़ता है ये भी मैंने आपको दे दिया ऑटो एक्सेल शीट, और ऑटो एक्सेल शीट को यूज कैसे करना है इसका भी वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में, काफी कुछ स्ट्रेटजीज आपको सीखने को मिलेगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने इसमें डिटेल में बताया कौन सी स्ट्रेटजी करना कौन सी कंडीशन में। ज्यादातर लोगों को स्ट्रेटजीज पता होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सी स्ट्रेटजी कौन सी कंडीशन में करना है, कौन से स्टॉक्स में करना है और कौन सी स्ट्रेटजीज में रिजल्ट कंपलसरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल जो स्ट्रेटजी है वो एनटीपीसी में करते हैं। आप एनटीपीसी में करोगे आपको कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्ट्रैटेजी राइट है लेकिन स्टॉक सिलेक्शन रॉन्ग है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जहां पर रिजल्ट कंपलसरी होता है। अगर आपने रिजल्ट या इवेंट नहीं है और वो स्ट्रैटेजी ट्रेड किया है तो आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मैंने ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी समझाया प्लस उनका कंडीशंस भी मैंने समझाया कि कौन सा स्ट्रैटेजी कौन सी कंडीशन में करना है, किस टाइप के स्टॉक्स में करना है, हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स में या लेसर वोलेटाइल स्टॉक्स में रिजल्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लस ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी का मैंने मार्जिन भी बताया कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कितना मार्जिन लगेगा। इसके साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट का भी कोर्स है, तो मैंने डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट के कोर्स पे क्लिक किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज, मनीष शर्मा इंस्ट्रक्टर नेम, वैलिडिटी 365 डेज। ओपन ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में। जैसे आप कैश सेगमेंट में चार्ट देखते हो तो आप नीचे वॉल्यूम देखते हो, वॉल्यूम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो। जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतना ज्यादा हायर चांसेस है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, उतना बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो ज्यादातर आप स्टॉक्स के चार्ट में वॉल्यूम कैंडल ज्यादा देखते हो, वैसे जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में आते हो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ओपन ट्रस्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओपन ट्रस्ट नहीं पता है तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना सकते क्योंकि ओपन ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट बेस है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट का। आपको ओपन ट्रस्ट के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए किस स्टॉक में किस टाइप का पोजीशन बिल्ड हो रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रहा है या शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रहा है। प्लस आपको ओपन ट्रस्ट का पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि कहां से ओपन ट्रस्ट डेटा आपको मिलता है, प्लस उस ओपन ट्रस्ट डेटा को आपको एनालाइज कैसे करना होता है। तो ये हमारा ओपन ट्रस्ट का कोर्स है, इसमें भी मैंने पूरा बेसिक से कवर किया है ओपन ट्रस्ट डेटा आपको एनएससी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है, ओपन ट्रस्ट बिल्डअप्स क्या होते हैं, रोल ओवर्स क्या होता है, सब कुछ मैंने कवर किया है। लाइव मार्केट में ओपन ट्रस्ट डेटा आपको कहां से मिलता है सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है, काफी डिटेल में कवर किया है। तो ये हमारा डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट का कोर्स है। मेरे हिसाब से एक ट्रेडर को ये दोनों कोर्सेज करने चाहिए। अगर आप सिर्फ टेक्निकल क्लासेस कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप ट्रेडर बन जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आपको ओपन ट्रस्ट प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजीज ये दोनों भी आना चाहिए
ओपन ट्रस्ट डेटा एनालिसिस आना चाहिए, प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजीज में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, हेजिंग करना आना चाहिए। सिर्फ आप स्क्वायर कट सीख गए इसका मतलब आप एक अच्छे बैट्समैन बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको बाकी सारे क्रिकेटिंग शॉट्स भी आना चाहिए, पुल शॉट भी आना चाहिए, हुक शॉट भी आना चाहिए, डिफेंस भी आना चाहिए, स्ट्रेट ड्राइव भी आना चाहिए। उसी तरीके से सिर्फ आप चार्ट देखकर, सिर्फ आप टेक्निकल एनालिसिस देखकर ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको ओपन ट्रस्ट डेटा एनालिसिस सीखना पड़ेगा और आपको ऑप्शंस हेजिंग रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये दोनों कोर्सेज साथ में करने हैं तो यहाँ पर मैंने पैकेज भी दिया हुआ है। जब आप पैकेज पे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज खुलेगा, डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग लेवल 1 कोर्स। ये इंग्लिश लैंग्वेज पैकेज है, 10,000 रुपए में आपके दोनों कोर्सेज आ जाएंगे, डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट कोर्स प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग लेवल 1 कोर्स। और इसमें अभी होली ऑफर भी चालू है तो इसमें मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो कूपन कोड जब अप्लाई करोगे तो 10,000 से भी प्राइजेस कम हो जाएगा। तो दोनों कोर्सेज आपको लेस देन 10,000 रुपीज में मिल जाएगा और काफी वैल्यूएबल कोर्स है, काफी नॉलेजेबल कोर्स है। कूपन कोड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट वो कूपन कोड का वैलिडिटी है वो 31 मार्च तक ही है, क्योंकि ये होली ऑफर है तो 31 मार्च तक ही वो कूपन कोड वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा और आपको 10,000 रुपीज में दोनों कोर्सेज मिलेंगे। सो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा, स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन समझ में आया होगा, आई होप आपको मार्जिन भी समझ में आया होगा। ये एक सैंपल स्ट्रैटेजी मैंने बताया है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप हमारे ऑप्शंस के कोर्स में सीख सकते हो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग के साथ में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो अगर आपको ये हमारा ऑप्शंस हेजिंग के ऊपर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आने वाले वीडियोस में आपको ऑप्शंस हेजिंग के ऊपर और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।